हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू पी पी चैनल लवर। तो क्या हाल चाल भाई सबके? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि कबूतर, अगर किसी का कबूतर नहीं उड़ रहा हो, कोई कबूतर नीचे चल रहा हो या 10-12 मिनट उड़ रहा हो, तो उस कबूतर को 4-5 घंटे तक कैसे पहुँचाएँ, 4-5 घंटे कैसे उड़ाएँ। तो गाइज ये हमारे नर हैं, मादी उसमें है भाई। आज नर का टाइम है उड़ने का, तो आज हम नर को उड़ाएंगे। तो भाई ऐसा क्या करें जिससे कबूतर हमारे 4-5 घंटे तक जाएं? भाई हमारे कबूतर 2-2.5 घंटे नॉर्मल उड़ते हैं, तो और हम इनको आज भाई 6 घंटे पार उतारेंगे कबूतरों को। तो भाई वीडियो पूरी देखो और हम बताएंगे भाई कबूतरों को ऐसा क्या दें जो कबूतर बेकार भी ना हो, सुस्त भी ना हो और कबूतर अच्छा उड़े। तो भाई यही बताएंगे आज हम वीडियो में। वीडियो पूरी देखो और लाइक कर देना वीडियो को। भाई हमारे पास ये है ताज़ा पानी। भाई पानी लेना नल में से, ताजी लेना भाई, थोड़ा सा चला लेना नल जो पानी ताजी निकले। और ये भाई काली मिर्च, जितने भी आपके कबूतर हो, एक कबूतर के एक काली मिर्च के हिसाब से काली मिर्च ले लो। हम इनमें से 15 कबूतर उड़ाएंगे और ये 15 काली मिर्च निकालेंगे। और ये भाई एविल गोली देख सकते हो, ये है एविल। एविल 25 स्टोर पर जाके देख पूछ लेना, कोई भी दे देगा। और ये 15 कबूतर में 4 गोली लगाएंगे हम। और भाई फिर देखते हैं इनका रिजल्ट, आपको उड़ते भी दिखाएंगे, चलते भी दिखाएंगे और भाई जब बैठेंगे जब भी दिखाएंगे कि किस टाइम पे कबूतर बैठ रहे हैं। तो गाइज ये सब लेना है आपको, और काली मिर्च को पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना। पीसने के लिए हमारे पास ये है, इससे हम अदरक कूटते हैं चाय वाय बनाने के लिए। इनको पीस लेना भाई काली मिर्च निकाल के, और एविल भी इसमें पीस लेनी है। और फिर पानी में कर लेना है मिक्स, अच्छे से मिक्स होने के बाद कबूतरों को दो और 10 मिनट कबूतरों को बैठा के छत पे कबूतरों को जब उड़ाओ। तो गाइज पहले हम इनको पीस लेते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस इनको पीस लेते हैं, अच्छे से पीसेंगे। और पीसने के बाद भाई इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, जो भाई कबूतर के मतलब सरंज में से निकल जाए, कबूतर के अटके ना, इनका अच्छे से पाउडर बना लेना है। और एविल भी इसमें ही पीस लेना, और ताकि कबूतर को पानी के साथ चली जाएँ, अंदर चली जाएँ और कबूतर को कुछ भी ना हो। तो गाइस एविल पीसने के बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, और फिर देखते रहो वीडियो में कैसे कबूतर उड़ते हैं, कितने उड़ते हैं। तो गाइज हमने एविल पीस लिया है भाई, बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसको मिला दो पानी में। और भाई पानी को अच्छे से घोर लो, पानी का जब कलर बदल जाए तो भाई समझ लो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। भाई पानी में जब भी कुछ पीसो इसको, तो पानी में भाई दाने नहीं होने चाहिए, पानी होना चाहिए नल पे से ताज़ी। भाई कबूतर जब भी अच्छे उड़ेंगे, पानी ताज़ी बनाओ। ये देख सकते हो पानी का कलर हो गया चेंज, और इनको कबूतरों को देंगे और जब देखते हैं भाई कबूतरों का क्या रिजल्ट होता है। हम भी अपने कबूतर पर ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं भाई कि आपको बता रहे हैं, अपने कबूतरों पर ट्राई करके दिखाएंगे आपको कि कबूतर कैसे चलते हैं। और भाई हमारे बराबर में भी एक टुकड़ी चलती है डेली, उन भाइयों ने भी उड़ा रखे कबूतर, किसी दिन उनके कबूतरों का भी शौक कराएंगे आपको। मेरे हिसाब से हम कल जाएंगे उनके पास और आपको दिखाएंगे उनके जोड़ों का शौक कराएंगे। और भाई फिलहाल तो इसको कबूतरों को अपने को देखे टेस्ट करते हैं कितने कबूतर उड़ते हैं। ये कबूतर है, इनमें से हम 15 कबूतर निकालेंगे। कबूतर तो भाई ये 25 हैं, इनमें से कबूतर निकालेंगे 15। और भाई अपने कबूतर के हिसाब से कबूतर को पानी दें। हमने पानी बना लिया है, देख सकते हो भाई अच्छे से मिक्स हो गया, पानी का कलर चेंज हो गया है। और भाई कबूतर को अपने हिसाब से पानी दें, कितना कबूतर आपका पानी ले रहा है। मेरे हिसाब से 20 ml नॉर्मल कबूतर को पानी दें हर कबूतर को। और रिजल्ट देखो भाई, रिजल्ट अच्छा ना आए ना तो भाई हमको बताओ, हम अगली बार वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे 100% तरीका ये भी अच्छा है भाई कबूतर को उड़ाने का। तो चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं और देते हैं कबूतर को पानी। तो गाइस हमने अपने कबूतर को पानी दे दिया है, और ये देख सकते हो 15 कबूतर हैं, 15 कबूतर हैं भाई ये। और अब इनको निकालेंगे और देखते हैं कबूतर का क्या रिजल्ट होता है, आपको उड़ते भी दिखाएंगे भाई, बैठते भी दिखाएंगे किस टाइम पे कबूतर बैठ रहे हैं, दूसरे फोन टाइम भी दिखा देंगे। और भाई वीडियो अब देखो कबूतर कैसे चलते हैं और क्या इनका रिजल्ट होता है। कबूतर को खोलने वाले हैं और देखना कबूतर कैसे चलते हैं। तो गाइस कबूतर हमने तो उड़ा दिए, अब कबूतरों को इकट्ठा होने में लगेगा टाइम। और जैसे कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं और कबूतर चलेंगे एकदम मस्त,
और दिखाएंगे आपको बैठ से कबूतरों का टाइम, के कबूतर किस टाइम पे बैठ रहे हैं। अब टाइम हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं, कबूतर कम से कम 2 बजे बैठेंगे कबूतरों को। कबूतर जा चुके हैं आसमान, ये देख सकते हो कबूतर भाई ऊंचे हो गए, कबूतर हो गए इकट्ठे। ये देख लो भाई कबूतर कितने मस्त चल रहे हैं, ये देखो भाई खूब कबूतर आप मस्ती करेंगे और टाइम दिखाएंगे आपको कबूतर किस टाइम आते हैं। ये देखो भाई कितने टॉप है कबूतर चल रहे हैं, ये देख सकते हो कबूतर भाई खूब चल रहे हैं मस्त, देख सकते हो भाई कितने ऊंचे हैं कबूतर भाई खूब बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया एकदम। और जब भाई कबूतर बैठेंगे आपको दिखाएंगे कि किस टाइम पे कबूतर बैठ रहे हैं। तो भाई कबूतर आ चुके हैं बहुत नीचे यार, बहुत कितनी बार नीचे आ गए पर ये बैठ नहीं रहे, देख सकते हो तुम्हारे सामने कबूतर भी खुल रहे हैं और छत खुल रही है पर यार कबूतर नहीं आ रहे। देखो पटपटी मार मार के कबूतर ऊँचे हो जा रहे हैं बार बार, ये देख सकते हो कबूतर भी नीचे भी खुल रहे हैं ऊपर भी खुल रहे हैं पर कबूतरों का आने का नाम नहीं है, कबूतरों का आने का नाम नहीं है। देख सकते हो भाई कितने नीचे नीचे आ रहे हैं कबूतर पर कबूतर आ नहीं रहे, देखो भाई छतों से लग जा रहे हैं पर कबूतर आ नहीं रहे भाई, पीछे तो कबूतर नीचे हो जाते हैं फिर कबूतर ऊँचे हो जाते हैं देख सकते हो। ये देख लो भाई कबूतर आ नहीं रहे बिल्कुल भी, देखो छतों से लग जा रहे हैं, देखो पीछे बार छत है उससे तो नीचे हो जाते हैं बार बार पर आ नहीं रहे कबूतर, बार बार कबूतर ऊँचे हो जाएंगे। देखो ये रहे कबूतर और ये खुल रही भाई छत, सारे कबूतर खुल रहे हैं फिर भी कबूतर आ नहीं रहे। आ आ ये कबूतर तो आ गया भाई, नहीं गया, निकल गया, निकल गया भाई, ये भी नहीं आया यार, निकल गया भाई ये भी, कोई सा भी कबूतर नहीं आया, से एक नहीं आया। और टाइम देख सकते हो भाई 2:04 हो रही हैं, मैंने 2 बजे बताया था कि 2 बजे बैठेंगे, 2:04 हो गई हैं, एक्स्ट्रा टाइम हो गया इनको। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जब तुम बोलो जब कबूतर बैठाओ बस, बट हमारे यहाँ ना मौसम ख़राब हो रहा है, देख सकते हो बारिश आ सकती है, हवा चल रही है भाई ठंडी ठंडी, इसलिए भाई हमने कबूतर खोल दिए हैं ताकि कबूतर ऊँचे ना जाएँ, कभी कबूतर बारिश में रह जाएँ भाई कबूतर भग जाएंगे, हमारे तो भाई टुकड़ी का नाश हो जाएगा बारिश आ गई तो, इसलिए हमने छत खोल दिया। पर यार यही बेशरम हो रहे हैं, इनका आने का नाम नहीं है, देख सकते हो भाई ये कबूतर जाल पे खोल रहे हैं और कबूतर निकल जा रहे हैं बार बार छत आते आते, लगता है भाई अब तो गिर ही जाएंगे क्योंकि बारिश आने वाली है, मौसम हो रहा है बारिश का, देख सकते हो भाई हवा चल रही है बारिश का हो रहा है मौसम, कबूतर भाई नीचे आ जा रहे हैं पर कबूतर आ नहीं रहे, देख सकते हो भाई टुकड़ी कितनी मस्त चल रही है आज भाई, एक के पीछे एक कबूतर चल रहा है। तो भाई अपने कबूतरों पे भी ये तरीका अपनाएं, और भाई कोई डाउट हो तो मुझे बता दें कमेंट में, मैं उसका डाउट का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। देख सकते हो भाई ये कबूतर कैसे चल रहे हैं मस्ती में, मौसम ठंडा हो गया है इसलिए भाई ये चल रहे हैं ऐसे, अगर मौसम गर्म होता तो भाई हो सकता था जल्दी आ जाएं, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि मौसम ठंडा भी हो जाएगा, इसलिए भाई कबूतर आ नहीं रहे। ठंडे मौसम भाई बहुत अच्छा काम करता है वो ये तरीका, ये देख लो भाई कबूतर हो गए फिर ऊँचे, कबूतर आ ही नहीं रहे भाई यार क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आपको जब भी दिखाएंगे जब कबूतर आ जाएंगे नीचे। तो फाइनली गाइस कबूतर आ चुके हैं, सारे कबूतर आ गए हैं और टाइम देख सकते हो 3:48 हो रही हैं, ये देख लो भाई सारे कबूतर आ चुके हैं भाई, देखो कबूतर आ चुके हैं सारे भाई, एक कबूतर पहले आ गया था वो हमने कर दिया था बंद और ये आ गए सारे कबूतर, 3:50 पे कबूतर आ गए भाई सारे, 10 बजे उड़ाए थे। और देख सकते हो भाई कबूतरों का रिजल्ट कैसा है, देख लो कबूतर सारे कबूतर आ चुके हैं भाई, 3:50 पे कबूतर आए हैं, 10 बजे उड़ाए थे आपके सामने। और भाई अब भी आपको कोई डाउट हो तो मैं मुझे कमेंट करके बताओ, आपका डाउट क्लियर करेंगे। और भाई बताओ कबूतर कैसे हमारे और कैसे उड़े, और ये ट्रीटमेंट भाई नुस्खा कैसा लगा आपको, कमेंट कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।